ने प्रियंका और प्रियंका की फैमिली को कहा गुंडा। आइए जानते हैं आखिरकार क्या है पूरी खबर, शिव ने प्रियंका के लिए और उनकी फैमिली के लिए क्यों ऐसी बातें कही हैं, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस के घर में जब लड़ाई चली थी और शिव ने जब शालीन पर हाथ उठाया था, तो एक तरफ लड़ाई तो उधर चल रही थी, लेकिन दूसरी लड़ाई प्रियंका के साथ हो रही थी शिव की, जहां प्रियंका ये इल्जाम लगाती नजर आई कि आज अगर शिव शालीन पर हमला कर रहा है तो कल के डेट में वो मुझ पर या किसी भी घर वाले पर हमला कर सकता है, हाथ उठा सकता है, इसलिए बिग बॉस को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। अब इसी बात पर प्रियंका कह देती है कि शिव एक गुंडा है। अब इस बात पर शिव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। शिव भी काफी खरी खोटी प्रियंका को सुनाते हुए नजर आते हैं, जिस पर शिव ये कहते हैं कि गुंडा तुम हो, गुंडी तुम हो, गुंडा तुम्हारा फैमिली है, मुझे मत बोलो। ऐसे में दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस झगड़े देखने को मिलते हैं और फाइनली प्रियंका बेसिकली ये कहती है कि जो शिव ने हाथ उठाया है वो बेहद ही गलत है और कल के डेट में मैं इससे डर रही हूँ, क्योंकि कल ये किसी को भी मार सकता है, हाथ उठा सकता है। इसी के साथ अब प्रियंका वर्सेज शिव की ये जो तगड़ी फाइट और तगड़ी लड़ाई है काफी ज्यादा स्कैरी है, जिसमें दोनों लड़ते भिड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो वाकई में प्रियंका और शिव का हमेशा से 36 का आंकड़ा होता है। एक बार फिर ये नए मुद्दे निकल आए हैं और एक बार फिर प्रियंका वर्सेस शिव की लड़ाई देखने को मिली है। इसमें अब आप बताएं कि आखिरकार जो शिव ने प्रियंका की फैमिली तक चले गए और प्रियंका की फैमिली को गुंडा कह दिया, जिस पर प्रियंका और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और वो बात और भी बढ़ती चली गई। अब इसमें आप बताएं कि आखिरकार कौन है सही कौन है गलत, हमें बताएंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।